मध्य प्रदेश के भाजपा के कद्दावर नेता और शिवराज सरकार में कैबिनेट कृषि मंत्री कमल पटेल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वैसे मंत्री कमल पटेल अपने नवचारों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन उनके सुर्खियों में रहने की वजह मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल है। दरअसल मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल हरदा जिले के दौरे पर थे और वहां पर स्थानीय कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे। हरदा जिले के रहट गांव तहसील के ग्राम केला जीरी में आयोजित स्वास्थ्य शिविर को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने हरदा के विकास और कमल पटेल की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश का हरदा जिला अव्वल है। उन्होंने कहा कि जिस दिन कमल पटेल का जन्मदिन था, उस दिन मंत्री मोदी जी ने वर्चुअली जुड़कर इस योजना को मूर्त रूप दिया। इस दिन हरदा जिले के लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिला, जो अपने आप में एक अपवाद है। वैसे भी इस योजना के थीमकार कमल पटेल ही थे। मध्य प्रदेश का हरदा जिला सिंचाई पानी के साथ प्रदेश का पहला जिला बन गया है। मैं उस दिन दौरे पर था, लेकिन टेलीविजन कार्यक्रम देख रहा था। मैं कमल पटेल को अपनी ओर से बधाई देता हूं और हरदा की जनता को गौरवान्वित होना चाहिए कि उन्हें कमल पटेल जैसा व्यक्तित्व और कृतित्व मिला है। हरदा से ललित बाथोली की रिपोर्ट। पानी की सिंचाई की बात में सारा जिले मध्य प्रदेश में पहला नंबर का जिला बन गया और 46,000 जितने स्वामित्व वाले जिसके नाम पे जमीन नहीं थी, वो कमल जी के जन्मदिन के ही दिन उन्होंने बांटा। मैं वो कार्यक्रम में वर्चुअल मैं भी देख रहा था, मैं कोई प्रवास में था तो ऐसे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। तभी मैं एक जगह पर टीवी से देख रहा था और कमल जी का भाषण वो समय पहली बार मैंने सुना था। ऐसे कर्मठ आपको मंत्री भी मिले,